मैं रोस्टर मशीन का मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ये पफराइस मशीन बनता है, आप जो चाहिए इसी में ड्राई कर पाएगा। मैं पहले कोलकाता से काम कर रहा था, यहीं पे 5-7 साल काम किया है। तो जो कोविड ही हमारा आया है, मैं गांव में फंस गया, कोलकाता नहीं जा पाया। तो यहीं से गांव में 2-3 महीना घूमने के बाद एक कलाहंडी में एक दोस्त का फ़ोन आया, तो वो बोला एक मेरा मशीन चाहिए, मुरमुरा मशीन चाहिए। तो मैंने इसको बोल दिया, अरे आओ ना यहीं पे बना देगा। हम लोग काम स्टार्ट करने के बाद वो मशीन लेके गया, वो इसको देखने के बाद मेरे पास और 2 मशीन का ऑर्डर आया। तो 2 मशीन का जो ऑर्डर आया, मेरे पास उस टाइम कुछ पैसा नहीं था, बहुत तकलीफ हुआ था। मेरे पास बेंडिंग मशीन नहीं था, होल्डिंग मशीन भी नहीं था। तो हमारा यहीं पे एक आदमी से उधारी लिया, उधार लेके वो 2 मशीन भी काम स्टार्ट किया। ऐसे काम करते करते हमारा बहुत अभी आ गया कंपनी। मैंने YouTube में देखा अजय नाम का, तो मैं उसके पता ढूंढ के चला गया उनके पास। तो मैं सोचा कि ये मशीन लाया जाओ, लाने के बाद मुझे फायदा क्या हुआ, जो 10 रुपये का काम मेरा 4 रुपये में हो जाता है, कोई फायदा है? नुकसान तो नहीं होगा ना, नुकसान कब होगा? जब मशीन नहीं था तब नुकसान होता था क्या? नुकसान क्या, जाके उसके पास बनाओ, खड़ाओ, अपने गाड़ी में लोग लेके जाओ, लेके आओ, टाइम वेस्ट होता था। अभी क्या, टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है। काम चलते चलते 6 महीने के बाद हमारा पास सेल्को फाउंडेशन कंपनी के साथ हम मिल गया। सोलर सिस्टम का ही सेल्को फाउंडेशन हमको ही सिखाया, जो वो मशीन सेल्को माने सोलर में भी चल पाएगा। पहले हमको मालूम नहीं था, कोलकाता में भी मालूम नहीं था। जो आदमी देखता है बोलता है हमारा इसी को लेके के लगाएगा तो मैं भी बिजनेस कर पाएगा, हमारा लाइन नहीं कंजेशन नहीं है, तो वो सोलर कंजेशन में वो चला पाएगा। एक टाइम था मैं दूसरा आदमी के पास काम कर रहा था, अब भी मैं 8-10 आदमी को कुछ नहीं है तो दाना तो दे रहा हूँ, और क्या चाहिए, वही अच्छा है।